हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव लर्न सेकेंड ऑर्डर हार्मोनिक नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेसेस। तो सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेसेस में हमने सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन भी पढ़ा था। सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन क्या होता है? सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन में जो है एक इंसिडेंट बीम, सिंगल इंसिडेंट बीम जिसकी की फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा है, ठीक है, वो इंसिडेंट करवाई जाती है और हमें जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी मिलेगी यानी कि ऑप्टिकल मटेरियल से जब इमर्जिंग बीम जो होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी। दिस इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, जो इंसिडेंट बीम की फ्रिक्वेंसी थी, और जो हमें इमर्जिंग बीम है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की ट्वाइस मिलती थी, ठीक है। और हमने दूसरा ये केस भी देखा था कि अगर जो है इंसिडेंट बीम है उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, इंसिडेंट बीम की फ्रिक्वेंसी सपोज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू है, तो हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑन एंड डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज जब हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो है हमें सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, सम फ्रिक्वेंसी जनरेशन एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेशन भी हमने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू। तो हमने वहाँ पर देखा था कि ओमेगा थ्री इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, सम फ्रिक्वेंसी जनरेशन में हमने ये देखा था, एंड ओमेगा थ्री इक्वल्स टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, डिफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेशन में हमने ये देखा था, ठीक है। तो सम फ्रिक्वेंसी जनरेशन में ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा वन, ओमेगा थ्री इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, हम ये कह सकते हैं इसको देख करके कि दो फोटॉन्स जो हैं वो ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी और ओमेगा टू फ्रिक्वेंसीज के, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी और ओमेगा टू फ्रिक्वेंसी के दो फोटॉन्स जो हैं वो क्या हुए, डिस्ट्रॉय हुए, और एक ओमेगा थ्री फ्रिक्वेंसी का फोटोन जो है वो क्या हुआ, जनरेट हुआ या क्रिएट हुआ, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस फ्रिक्वेंसी है, डिफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेशन में है ओमेगा थ्री इक्वल्स टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा टू, इस ओमेगा टू को इधर ले जा लेंगे और इक्वल्स टू ओमेगा वन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी का जो फोटोन है वो डिस्ट्रॉय हुआ और ओमेगा थ्री और ओमेगा टू फ्रिक्वेंसी की दो फोटॉन्स जो हैं वो क्या हुए, क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेस, जिसके के अंदर ये आता है आपका थर्ड हार्मोनिक जनरेशन, और मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है THG, ओके, थर्ड हार्मोनिक जनरेशन। तो इसके लिए हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन प्रोसेस। थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन प्रोसेस, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि P3 जो है वो ये वाला जो टर्म है, हमने अलग से भी लिखा था कि थर्ड ऑर्डर जो पोलराइजेशन टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं E की टर्म में, तो P3 इक्वल्स टू Chi3 एप्सिलॉन नॉट क्यूब E3 क्यूब, ठीक है। तो हमें इस प्रोसेस को जो है कंसिडर करना पड़ेगा इसके लिए, ओके। एंड दीज प्रोसेसेस कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑप्टिकल मटेरियल्स, सेंट्रोसिमेट्रिक और नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। और ये जो है किस मटेरियल्स पे अप्लाइड होते हैं, ये उन ऑप्टिकल मटेरियल्स पे अप्लाइड होते हैं जो कि सेंट्रोसिमेट्रिक या फिर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक टाइप के होते हैं, ओके, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक टाइप के होते हैं, ओके। सो फिर से अगेन कंसिडर द प्रोसेस इन विच एन इंटेंस लेजर बीम ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन इक्वल्स टू टू पाई न्यू वन इज ट्रांसमिटेड थ्रू एन ऑप्टिकल मटेरियल। अगेन हम एक प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें कि एक इंटेंस लेजर बीम एक ऑप्टिकल मटीरियल, ये ऑप्टिकल मटीरियल है कोई, ठीक है, ऑप्टिकल मटीरियल पे इंसिडेंट होती है और इस इंसिडेंट जो बीम है इसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वन इक्वल्स टू टू पाई न्यू वन, ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड होती है इस ऑप्टिकल मटेरियल से। तो जो बीम इमर्ज हुई इस मटेरियल से, दिस वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ दी, एक तो आपके पास जो ये जो बीम आएगी, आपके पास जो इमर्जिंग बीम होगी, ये तो इंसिडेंट बीम हुई, और ये जो इमर्जिंग बीम होगी, ये जो इमर्जिंग बीम होगी दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन, यानी कि ये जो इमर्जिंग बीम है एक इसके पास तो होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन और एक होगी थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमें ऐसी बीम मिलेगी जिसके पास की जो इमर्जिंग बीम होगी
वो दो बीम से मिलकर के बनी होगी। एक बीम की जो फ्रिक्वेंसी है वो होगी आपके पास ओमेगा वन, और अदर जो दूसरी बीम इमर्ज हो रही है, दूसरी बीम को जो हम मान रहे हैं कि इमर्जिंग बीम जो है इन दोनों बीम से मिलकर के बनी है, तो इमर्जिंग बीम की एक की फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन है, तो दूसरी बीम की फ्रिक्वेंसी जो है थ्राइज ऑफ दी ओमेगा वन होगी, यानी कि थ्राइज ऑफ ओमेगा वन, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक जनरेशन, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी की वेव को जो है ये क्या करती है, जनरेट करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक जनरेशन। ओके, सो द इनपुट बीम इज साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन। जो इनपुट बीम है वो एक साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, ओमेगा वन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दैट कैन बी रिटन एज ई इक्वल्स टू ई वन कॉस ओमेगा वन टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू ई वन कॉस ओमेगा वन टी। सो यूजिंग थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन इक्वेशन, ये हमने कल भी पढ़ा था, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन इक्वेशन। तो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन इक्वेशन जो हमने सारे टर्म्स पढ़े थे पी में, कि नॉन लीनियर पोलराइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वन काई नॉट वन ई थ्री वन ये सब पढ़ा था। ओके, तो ई थ्री वन, ठीक है, उसी तरीके से काई टू एप्सिलॉन नॉट क्यूब एंड ई टू क्यूब, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा था। ऐसे ही अदर जो टर्म्स होंगे काई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्यूब ई थ्री क्यूब, ठीक है। तो जो थर्ड और सेकंड टर्म हमने अलग से ले लिए थे, फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपका लीनियर पोलराइजेशन को शो कर रहा था, बट सेकंड और थर्ड टर्म हमने अलग से भी लिख दिए थे कि नॉन लीनियर थर्ड ऑर्डर का जो है नॉन लीनियर पोलराइजेशन एंड सेकेंड ऑर्डर का नॉन लीनियर पोलराइजेशन हम लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पर से ही हमने ये उठाया है, कल वाले लेक्चर में देखना आप, इसमें से हमें उठाया है थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन इक्वेशन। तो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन इक्वेशन में जो यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस ये जो इंसिडेंट बीम करवाई हमने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू ई वन कॉस ओमेगा वन टी। सो ई इक्वल्स टू ई वन कॉस ओमेगा वन टी आप पुट कर लेंगे, पी थ्री इक्वल्स टू काई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्यूब ई वन क्यू ई थ्री की जगह पर हम रखेंगे ई वन कॉस ओमेगा वन टी, और इसका क्या है यहाँ क्यूब है, ठीक है। सो ई वन क्यूब बाहर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा कॉस क्यूब ओमेगा वन टी, कॉस क्यूब ओमेगा वन टी, ठीक है, और कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कॉस थ्री थीटा की जो थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो आपके पास जो है कॉस क्यूब थीटा है, तो कॉस क्यूब थीटा को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके टर्म्स में, तो फोर कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 कॉस थ्री थीटा, ये फोर इधर चला जाएगा एंड 3/4 कॉस थीटा, तो वही लिखा हुआ है 1/4 कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पे है ओमेगा वन टी, तो 1/4 कॉस थ्री ओमेगा वन टी एंड प्लस 3/4 कॉस ओमेगा वन टी, ठीक है। तो उसी तरीके वो जो फॉर्मूला है उसका आप यूज़ कर सकते हो, तो ये लिखा हुआ है। सो इसको हम जब खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा काई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्यूब एंड ई वन क्यूब तो है ही, और इस कॉस क्यूब ओमेगा वन टी की वैल्यू की जगह पे हम रख देंगे वो फॉर्मूला लगा करके 1/4 कॉस थ्री ओमेगा वन टी प्लस 3/4 कॉस ओमेगा वन टी। ओके, सो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म क्या डिनोट कर रहा है, दिस फर्स्ट टर्म कंटेन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी थ्री ओमेगा वन, दिस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी थ्री ओमेगा वन, ठीक है।
और दिस टर्म इज एंड दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद द थर्ड हार्मोनिक जनरेशन प्रोसेस ऑफ थर्ड हार्मोनिक जनरेशन. तो ये टर्म जो है वो थर्ड हार्मोनिक जनरेशन प्रोसेस से एसोसिएटेड है, ठीक है. और यही टर्म जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है EM वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 ओमेगा 1, यानी कि थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो फर्स्ट टर्म जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि जो है हमारी इमर्जिंग बीम की जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, या कह सकते हो, ठीक है. नाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द थर्ड हार्मोनिक जनरेशन. थर्ड हार्मोनिक जनरेशन की जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इसमें वो कैसे होगी. सो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा. इसमें ये बहुत सिंपल है कि थ्री ये जो है ये और ये तीनों क्या डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर दी वर्चुअल थ्री वर्चुअल एनर्जी लेवल्स ऑफ द कंबाइंड मटेरियल फोटोन सिस्टम. दीज आर दी थ्री वर्चुअल एनर्जी लेवल्स ऑफ द कंबाइंड मटेरियल फोटोन सिस्टम. ओके, सो दीज आर दी थ्री वर्चुअल एनर्जी लेवल्स. ओके, एंड ये जो है ये डैश जो आपको शो कर रहा है ओमेगा थ्री इक्वल्स टू आपको दिखा रहा है इसमें थ्री ओमेगा वन, थ्राइस ऑफ ओमेगा वन. तो ये दिस इंडिकेट्स दी थ्री फोटॉन्स ऑफ दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन बींग डिस्ट्रॉयड. ये इसमें क्या शो कर रहे हैं कि तीन जो है फोटॉन्स जिनकी की जो कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन के हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक फोटॉन थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी थ्री ओमेगा वन का जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है. तो थ्री फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज जो फोटॉन्स ऑफ थ्री फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, सो थ्री फोटॉन्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज ओमेगा वन आर बींग डिस्ट्रॉयड, एंड वन फोटॉन ऑफ द थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दैट इज थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी इज बींग क्रिएटेड, ठीक है. तो थ्री ओमेगा वन, ओमेगा थ्री इक्वल्स टू थ्री ओमेगा वन, इस फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन जो है वो जनरेट हो रहा है, और ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी के तीन फोटोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ये आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम शो करता है. ओके, बट अगर केस ऐसा हो कि इनपुट बीम जो है वो दैट कंसिस्ट ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो हमने अभी देखी वो तीनों की हमने देखी ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन थी, बट अगर इनपुट बीम जो है वो थ्री डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को कंसिस्ट कर रहा है, थ्री डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को कंटेन कर रहा है, यानी कि थ्री डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के से मिलकर के बनी है इनपुट बीम, ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री फ्रिक्वेंसी से मिलकर के बनी है, तो जो प्रोसेस होती है यहाँ पर दैट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ओमेगा की जगह पे ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री लेंगे और फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन में यहाँ करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर इसको अगर हम यहाँ रखेंगे और उसका फिर हमारे पास क्या होगा, कॉस क्यूब होगा, ठीक है. तो ये यहाँ पर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री होगा, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उसमें से केवल दो प्रोसेस जो हैं वो इस एनर्जी लेवल डायग्राम में जो हैं वो शो किए हुए हैं. तो दो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं इसमें, एक तो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है. दिस रिप्रेजेंट्स थ्री फोटॉन्स ऑफ द डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. देखो ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री, पहले जो था वो ओमेगा वन ओमेगा वन ओमेगा वन था, बट यहाँ पर ओमेगा वन ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री है. तो थ्री फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज बींग डिस्ट्रॉयड, ये जो है दे आर बींग डिस्ट्रॉयड, ठीक है. और हम कह सकते हैं कि वन फोटोन ऑफ द थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी इज बींग क्रिएटेड. तो ये सिमिलर केस वैसे ही है जैसे कि हमने अभी ओमेगा वन ओमेगा वन और ओमेगा वन, यानी कि थ्री फ्रिक्वेंसीज एक जैसी फ्रिक्वेंसी वाले फोटोन्स का हमने देखा कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, और एक नई फ्रिक्वेंसी दैट इज ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ओमेगा वन, वो जो है क्रिएट हो रहा है. उसी टाइप का इसमें जो है एक हम कह सकते हैं कि उसी टाइप का जो है ये प्रोसेस एनर्जी लेवल डायग्राम में वैसे ही हो रही है, ठीक है. तो इसमें लेकिन इसमें क्या है कि ओमेगा फोर यानी कि जो जनरेट हुई फ्रिक्वेंसी ओमेगा फोर से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ओमेगा फोर जो है वो क्या है, दैट इज़
ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री, दिस ओके, ये जो है जनरेट हो रही है, ठीक है, जबकि ये तीन फ्रिक्वेंसी के फोटोन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा फोर, ओके। एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा फोर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा फोर इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो उसी पॉसिबिलिटी कई है, बट उसमें से हमने एक ये वाला लिया है, ठीक है। तो हम इस ओमेगा थ्री को इधर ले जा रहे हैं, तो ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा फोर हो जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, टू फोटोन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, दीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड द टू फोटोन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो दो फ्रिक्वेंसी, दो फोटोन्स ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर फ्रिक्वेंसी के फोटोन्स का जो है क्रिएशन हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रॉयड एट द एक्सपेंस ऑफ द टू फोटोन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमने केवल यहाँ पे दो प्रोसेस दिखाई हैं, जबकि कई, हमने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर तीन फ्रिक्वेंसीज हैं ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री, उनका सम और उनका डिफरेंस तो कई तरीके से डिफरेंस हो सकता है। सम तो चलो एक ही तरीके से होगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री, बट डिफरेंस जो है वो कई तरीके से हो सकता है। आपके पास ओमेगा फोर जो है वो ऐसा भी हो सकता है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू प्लस ओमेगा थ्री, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। या आपके पास ओमेगा फोर जो हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री, इस तरीके से भी हो सकता है। तो कई तरीके से हो सकता है। तो उन पॉसिबिलिटीज़ में से हमने केवल एक पॉसिबिलिटी ली है, ये वाली, जिसमें ओमेगा फोर इक्वल्स टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू माइनस ओमेगा थ्री है, या फिर हम उसको ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इक्वल्स टू ओमेगा थ्री प्लस ओमेगा फोर लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द क्रिएशन ऑफ टू फोटोन्स एट द एक्सपेंस ऑफ द टू अदर फोटोन्स, इनके एक्सपेंस पे हमें ये दो फोटोन्स का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोर वेव मिक्सिंग, फोर वेव मिक्सिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोर वेव मिक्सिंग प्रोसेस। नाउ द इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या फिर इसको हम सेल्फ फोकसिंग भी कहते हैं। ये आपकी जो थर्ड यूनिट है उसमें सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ये सेल्फ फोकसिंग, तो वही है ये, ठीक है। और हम इसमें इसके जो ये जो टॉपिक है इसको दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं, ऑप्टिकल कर इफेक्ट। तो अगर ऑप्टिकल कर इफेक्ट से आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी यही टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो सेल्फ फोकसिंग वाले टॉपिक से ही आपका ऑप्टिकल कर इफेक्ट जो आता है उसी से आता है। सो इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि आपको नाम से पता चला है कि ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सेल्फ फोकसिंग टर्म भी आता है, उसी से रिलेटेड है ये। तो होता क्या है कि अगर कोई बीम है जिसकी कि जो कि हम सफिशिएंट इंटेंसिटी की ले रहे हैं, व्हेन इट पासेस थ्रू एन ऑप्टिकल मटीरियल, एक ऑप्टिकल मटीरियल से ऐसी बीम जो कि सफिशिएंट इंटेंसिटी की है उसको पास करवाएं अगर, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा मटीरियल का, सॉरी यहाँ पे दो बार आ गया, इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द मटीरियल कैन बी अल्टर्ड। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटीरियल का उसको हम बदल सकते हैं बाय इंटेंसिटी ऑफ द बीम, बीम की इंटेंसिटी से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि किसी मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो सकता है, बट हम इंटेंसिटी ऑफ बीम, बीम की इंटेंसिटी से जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें एक इक्वेशन और एक रिलेशनशिप फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो है ईटा ओमेगा इक्वल्स टू ईटा नॉट ओमेगा प्लस ईटा टू आई ओमेगा, ओके। तो ये क्या है आपका ईटा ओमेगा, दिस इज द टोटल इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। ईटा
ईटा ओमेगा इज द टोटल इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द फ्रिक्वेंसी जो गिवन है, ठीक है, एंड ईटा नॉट ओमेगा, ईटा नॉट ओमेगा क्या है इस फ्रिक्वेंसी पे मतलब, ठीक है, एंड ईटा नॉट ओमेगा इज द फंडामेंटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल एट एनी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, यही ओमेगा जो ये ओमेगा दे रखा है, तो दिस इज द फंडामेंटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल एट एनी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ठीक है, एंड दिस कैन बी मेजर्ड विद एन ऑप्टिकल बीम ऑफ लो इंटेंसिटी, ये जो है एक लो इंटेंसिटी के ऑप्टिकल बीम से मेजर भी की जा सकती है, ओके okay? जो थर्ड सेकेंड टर्म जो है वो है ईटा टू आई ओमेगा आई ओमेगा, सो इट इज़ द इफेक्टिव नॉन लीनियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द इफेक्टिव, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव नॉन लीनियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ एट दैट फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी को जो फ्रिक्वेंसी की एसोसिएटेड है इंटेंसिटी बीम से, बीम की इंटेंसिटी से, दैट इज आई ओमेगा, सॉरी आई ओमेगा, ओके ठीक है, सो ईटा नॉट ओमेगा एंड ईटा ओमेगा, ईटा टू आई ओमेगा इज नॉट अ, ईटा टू आई ओमेगा जो है ईटा नॉट ओमेगा, ईटा ओमेगा की तरह, देखो ईटा नॉट ओमेगा और ईटा ओमेगा की तरह नहीं है ईटा टू आई ओमेगा, ये डिफरेंट है, जो ईटा टू आई ओमेगा है ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, जबकि ये दोनों जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, सो दिस ईटा टू आई ओमेगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये जो ईटा टू आई ओमेगा जो आपको दिख रहा है सेकेंड टर्म जो आपको दिख रहा है इसमें ईटा टू आई इंटू टू आई ओमेगा, सॉरी सेकेंड टर्म में जो ईटा टू आई ओमेगा यानी कि कोफिशियंट जो है उस आई ओमेगा का, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ईटा टू आई ओमेगा इक्वल्स टू 9 पाई अपॉन ईटा नॉट स्क्वायर ओमेगा काई 3, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे टर्म्स ये आ सकते हैं, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किसके साथ वेरी कर रहा है, इसके साथ वेरी कर रहा है, काई 3 के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कोफिशियंट ऑफ द आई ओमेगा, सो दिस चेंज इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ मटीरियल विद एन ऑप्टिकल इफेक्ट ऑप्टिकल फील्ड, देखो ये जो चेंज है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन में, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं ईटा नॉट स्क्वायर ओमेगा और काई 3 को चेंज करके, तो दिस इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मटीरियल विद एन ऑप्टिकल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आई ओमेगा इज नोन एज द ऑप्टिकल कर इफेक्ट, ये जो चेंज हो रहा है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल कर इफेक्ट, ओके सो इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दी ऑप्टिकल मटीरियल्स, सभी ऑप्टिकल मटीरियल्स में जो है ये कर इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है, और जो वैल्यू है ईटा टू आई ओमेगा की इट इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-20 m² per W, ठीक है, 10^-20 m² per W, ओके एंड दिस इफेक्ट कैन लीड टू सेल्फ फोकसिंग इन अ लेज़र और एम्पलीफाइड रॉड, तो ये जो इफेक्ट है दिस कैन लीड टू सेल्फ फोकसिंग इन अ लेज़र, ये लेज़र में जो है सेल्फ फोकसिंग को क्रिएट कर सकती हैं और एम्पलीफाइड रॉड में, ठीक है, सो बिकॉज क्यों कर सकती हैं, बिकॉज अ टिपिकल लेज़र बीम प्रोफाइल would have a variation of intensity within the rod and thus the index of refraction would vary over the cross section of the rod while the beam is present, hota kya hai ki jo hum typical laser beam ki baat kare to ek usme kya hota hai ki rod ke andar jo hai jo rod hoti hai uske andar alag alag point pe aap dekhenge jo intensity hai within the rod wo kya hoti hai vary karti hai, theek hai, तो जब इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या करेगा, पूरी क्रॉस सेक्शन के ओवर द होल क्रॉस सेक्शन
the index of the refraction would also vary, okay, क्योंकि beam इसमें present है, ठीक है. For example, एक example हम देख सकते हैं कि अगर beam जो है वो Gaussian cross section की है, जो अगर जो beam है वो आपके पास Gaussian cross section की है, Gaussian cross section. So then the intensity would be of the greatest on the axis of the rod. तो जो axis होगी यहाँ, ये rod की axis जो होगी यहाँ पर, sorry, rod अगर suppose मैं थोड़ा सा ऐसी बना देती हूँ, rod मोटी सी, तो ये जो axis है ये वाली, ठीक है, तो intensity जो है वो axis of the rod पे, इस ये जो axis है इस पे, axis of the rod पे जो है वो क्या होगी, greatest होगी, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होगी कहाँ होगी, रॉड की जो एक्सिस है उस पर, ठीक है. एंड दस द नॉन लीनियर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी ग्रेटर ऑन द एक्सिस, ठीक है. इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस एक्सिस पे जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, बजाय कि ऑफ एक्सिस के, यहाँ 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 इधर इधर, इस एक्सिस से अलावा जितने भी, यानी कि ऑफ एक्सिस वैल्यूज जो होंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो कम होगी, बजाय कि ऑफ एक्स, ये ऑन एक्सिस की, यानी कि इस एक्सिस पे जितनी भी इंटेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है. ये किसके केस में था, एक गॉशियन क्रॉस सेक्शन के केस में हम बोल रहे हैं कि अगर जो बीम है वो गॉशियन क्रॉस सेक्शन की है तो, ठीक है. इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मेकिंग अ लेंस विद इन द रॉड that can cause the beam to focus inside of the rod, ठीक है. If either the rod is sufficiently long or the intensity sufficiently high, okay. लेकिन अगर intensity जो है focus beam की बहुत बहुत high हो, यानी कि sufficiently जो है high हो, अगर intensity, ठीक है, intensity अगर बहुत ज़्यादा high है तो ऑप्टिकल मटेरियल विल बी डैमेज्ड एट द पॉइंट ऑफ फोकस विद इन द रॉड. तो जो ऑप्टिकल मटेरियल होगा वो जो है वो फोकस पॉइंट पे क्या होगा, रॉड के अंदर जो फोकस पॉइंट है उस पे क्या हो सकता है, वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है. इसलिए द अमाउंट ऑफ सेल्फ फोकसिंग दैट विल अकर कैन बी डिटरमाइंड बाय द बी इंटीग्रल. इसलिए ये बी इंटीग्रल को जो है एग्जिस्टेंस में आया, बी इंटीग्रल, और ये बी इंटीग्रल को जो है हम इवेल्युएट करके हम अमाउंट ऑफ सेल्फ फोकसिंग जो है निकाल सकते हैं, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ सेल्फ फोकसिंग वो जो है हम बी इंटीग्रल को सॉल्व करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है फोकस बीम की अगर वो बहुत ज़्यादा होगी तो ऑप्टिकल मटेरियल के जो है डैमेज होने के चांसेस हैं, जहाँ पे कि फोकस हो रहा है, जिस पॉइंट पे फोकस हो रहा है विद इन द रॉड, रॉड के अंदर जिस पॉइंट पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, फोकस हो रहा है मतलब, वहाँ पर जो इंटेंसिटी अगर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, इंटेंसिटी जो है फोकस बीम की बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऑप्टिकल मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक जो है हम इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, वो इंटीग्रल क्या है, बी इंटीग्रल है. तो सेल्फ फोकसिंग जो हम कह रहे हैं उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बी इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो बी इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है, बी इक्वल्स टू 2π/λ इंटीग्रेशन ओवर 0 to L ईटा 2i dz, ठीक है. तो ये बी इंटीग्रल है. तो ये जो बी इंटीग्रल है इसकी जो वैल्यू होती है, अच्छा ये जो आई है, वेरिएशन इन द इंटेंसिटी विद डिस्टेंस जेड, ये जेड जो है वो हमारी एक्सिस है, ठीक है, रॉड वाली एक्सिस, ठीक है. तो ये जो दिस इज द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी विद डिस्टेंस जेड आई जेड, एंड ये जो वैल्यू है बी इंटीग्रल की दैट लीड्स टू सीवियर सेल्फ फोकसिंग एंड डैमेज टू द रॉड, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो बी की वैल्यू जो है वो 3 to 5 अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, 3 to 5, एंड इसलिए इसको जो है बहुत कम रखा जाता है, ठीक है. सो इट मस्ट बी कैप्ट बिलो दैट रेंज,
इसको जो है, इस बी वैल्यू को जो है वो इस 3 to 5 रेंज से जो है बहुत कम नीचे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ताकि जो है ऑप्टिकल मटेरियल का जो है डैमेज ना हो। ओके ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें फेज मैचिंग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।